आज हम लोग जानेंगे HGIS के बारे में, यानी कि हाइब्रिड GIS। जनरली जो हमारे सब स्टेशन हमारे बन होते हैं इंडियाज में, वो तीन टाइप के होते हैं, एक AIS, GIS और HGIS। AIS मींस एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन, GIS मींस गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, HGIS मींस हाइब्रिड गैस इंसुलेटेड सब स्टेशंस। इसमें से हम आज HGIS को देखेंगे। आपके सामने जो वीडियो चल रहा है ये HGIS का वीडियो है। ये पूरा आप देखिए, ये अपने आप में एक बे की तरह होता है, यानी जो पूरा सिस्टम है इसमें ही हमारे आइसोलेटर्स और अर्थ स्विच, ब्रेकर्स सभी इसी में लगे हुए हैं, जो कि HF6 गैस से इंसुलेटेड रहते हैं। और इसमें जो हमारे ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स और अर्थ स्विच लगे हुए हैं, सभी गैस इंसुलेटेड है SF6। इनकी कंट्रोलिंग हम स्काडा से भी कर सकते हैं और लोकली भी कर सकते हैं। इसमें आप जो इसकी कंट्रोलिंग जो हम लोकली इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक पैनल लगा होता है जिसे LCC पैनल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म लोकल कंट्रोल कैबिनेट होता है। यहाँ से हम इसके ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स और अर्थिंग को लोकली भी ऑपरेट कर सकते हैं। जनरल तौर पर जो हमारे AIS सब स्टेशन होते हैं एयर इंसुलेटेड, और ये जो हमारा HGIS है, इसमें फ़र्क यही है कि जो AIS में हमारे आइसोलेटर्स, अर्थ स्विच, ब्रेकर्स ये सभी बाहर यार्ड में लगे होते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे वीडियो में इसमें आइसोलेटर्स, अर्थ स्विच, ब्रेकर्स सभी SF6 इंसुलेटेड है। इस पूरा मैं आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये जो आपका पूरा व्यूज़ है इसके अंदर ही सारे सिस्टम हमारे ये जो होते हैं स्विच गियर्स, ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स और थिंग्स सब इसके अंदर ही लगे हुए हैं, आप देख रहे पा रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और जो ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स और स्विच कहाँ सिचुएटेड हैं इसमें हम आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।